सवाल जवाब नहीं सकता है, मुझे उसमें फायदा हो। आपने सारे प्रश्न पूछे, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं इन सारे प्रश्नों को एक एक करके लेता हूं। सबसे पहले लेवल वन में टू स्टेज एग्जाम क्यों? 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम लेवल, सेम तरीके से, सेम लेवल ऑफ हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप भी समझते होंगे। इसलिए इसके दो, एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके दो लेवल किए जाएंगे। पहला ये। दूसरा आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है इसका। दूसरा विषय था ये। तीसरा विषय आपने रखा समय का। देखिए, शुरू में इसके लिए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशन आई, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करना है देश में तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स ए हिमालयन टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई और डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्जाम किया गया विद ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाए। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्जाम है उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशन ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लोगे, तो वह विषय आया था। तो उस विषय के कारण लोग कैट में गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्जाम के प्रोसेस को आगे किया, कोई उसमें देरी नहीं की। और हमारा, देखिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना है रोजगार को। इसीलिए आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में, यानी रेलवे में 1,40,000 टोटल, 1,05,000 ग्रुप डी की कैटेगरी में, लेवल वन की कैटेगरी में, और लेवल टू से लेवल सिक्स की कैटेगरी में 35,000 कैंडिडेट वैकेंसीज। 1,40,000 की वैकेंसीज लाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर आपको आपका चौथा पॉइंट आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाने का मौका मिले, इसके लिए 2015 तक हमेशा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता था, फर्स्ट स्टेज होता था, उससे 10 गुना लिए जाते थे, केवल 10 गुना लिए जाते थे। 2015 के बाद में पहले ही संख्या बढ़ा के 15 गुना कर दी गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए जाने का मौका मिले। और 2019 में इस संख्या को 20 गुना किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्जाम इतना बड़ा नंबर है कि उस नंबर में हो सकता है कुछ बाय चांस उस दिन तबीयत ठीक नहीं हो, कोई दूसरा कारण हो, समय पर पहुंच नहीं पाए, कोई भी कारण से मिस कर गया, तो मैक्सिमम लोगों को हमें चांस देने का इंटेंट है। इसी इंटेंट के कारण 20 गुना किया गया, जो 10 गुना था
2015 से पहले उसको 20 गुना किया गया 2019 में। तो ये प्रो स्टूडेंट्स प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारी इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। जो आज सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने किए जाए, यही मुद्दा है। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। रात को आपने देखा, अगर तस्वीरें दिखाई हो हॉस्टल में, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो लोग किसी भी अपनी खुद की संपत्ति को अगर जलाते हैं, खुद की संपत्ति पे अगर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया पुलिस की होती है वो होनी, अगर हुई है, मेरी बात आप इसमें स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले, और हम आपकी बात को शुरू से सुन रहे हैं। जिस दिन आपने पहले पॉइंट रखा उसी दिन हमने तुरंत इसका, जैसे ही दूसरे दिन ही मेरे नजर में आ गई थी बात ये, और दूसरे दिन मैंने तुरंत सारा ये टेबल मंगवाया कि आप मुझे एग्जैक्ट बताओ हर एक लेवल पे क्या वैकेंसी है, और हर एक लेवल पे एग्जैक्ट, जैसे लेवल टू पे 5663 उसकी जगह 1,13,000, कितने गुने, 20 गुने। लेवल थ्री पे 4,940 उसके अगेंस्ट कितने शॉर्टलिस्टेड, 98,833, 20 गुने। तो जो नोटिस के अंदर जो प्रक्रिया एग्जैक्टली उसके हिसाब से किया है, हर एक पे लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव, लेवल सिक्स, हर एक पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स किया गया है। इश्यू वो नहीं, इश्यू डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट नहीं, इश्यू यूनिक वाली बात आ गई। अब वो मुद्दा उनका है, क्योंकि इसलिए मुद्दा आ रहा है कि जिन लोगों ने तैयारी कर ली है उनको लगता है कि हमें एक बार और चांस मिल जाए, इसलिए हम इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। एज ऑफ नाउ हाउ मेनी रिक्रूटमेंट इज हैपन एंड बाय व्हेन ऑल दिस थिंग्स विल बी डन, बिकॉज इट वाज अनाउंस्ड। यही तो रिक्रूटमेंट चल रहा है, देखो इतना मैसिव। मैं आपको पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है, वर्ल्ड का अगर या इंडिया का भी अगर बड़े एग्जाम्स देखें तो बड़े एग्जाम्स में जेई बहुत बड़ा एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा एग्जाम। इन सब एग्जाम्स में एप्लीकेशन की संख्या होती है 5 से 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, यहाँ 1 करोड़ एप्लीकेशन है। आप ये तो देखिए ना कि कठिन कितना है, 1 करोड़ एप्लीकेशन, 1.25 करोड़ एप्लीकेशन, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 35 लाख, उसमें समय लगता है। But this is something government was aware in a country where there is so much of unemployment and there will be vacancy like this. इसीलिए तो टाइम तो इतना लगेगा, अगर आपको इस एग्जाम को ढंग से करना है इतना टाइम लगेगा, चाहे कोई करे। और उसके बाद भी आज देखा कि गया से आर्गेनिक की तस्वीरें आ रही हैं, क्या ये कन्वे नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको लग रहा है या मेटापॉलिटिसाइज हो चुका है? नहीं, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें, कोई गलत इसका उपयोग न करें। ये छात्रों का मामला है, ये देश का मामला है, इसको हमें सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए और इसमें हर तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए। सर, कुछ छात्रों को ऊपर एफआईआर भी दर्ज की है, आप खबरों की जांच करिए। देखो जो पुलिस की प्रक्रिया है वो अलग चीज है, मैं अभी मुद्दा है जो उस मुद्दे को कैसे सॉल्व करें उस पर सोचना चाहिए, हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। हिंसा की खबरें या फिर जो रेल रोकने का जो मूवमेंट चल रहा है, ट्रैक पे स्टूडेंट बैठे हैं, क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है और क्या कुछ आप लोग की संदर्भ में की? बिल्कुल, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का जो रोल होता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है, और हम भी कॉन्स्टेंटली टच में है, कंटिन्यूसली टच में है, और जो आज कमेटी की बात भी सबके पास जा चुकी है ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से ज्यादातर जगह से स्टूडेंट्स ने इस विषय को स्वीकार भी किया है, और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर सारे स्टूडेंट बंधुओं को, छात्रों को, कैंडिडेट्स को, कि आप प्लीज अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने पॉइंट को, अपने कंसर्न को, अपने विषय को, अपने मुद्दे को फॉर्मली रखिए, हम इसको एकदम संवेदनशीलता के साथ टैकल करेंगे।
नहीं देखो कमिटी एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स की है और ये कमिटी हर चीज को जितने भी मुद्दे इसमें आएंगे हर एक मुद्दे को जल्दी से जल्दी इसमें कमिटी का टाइम लिमिट भी दिया है. कितना टाइम दिया हमने टाइम लिमिट ये कमेटी की रिपोर्ट आने का क्या मतलब जल्दी से जल्दी हमारा एम है कि इस मुद्दे को बिल्कुल भी डिले न करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करें. 16-2 तक सारे के सारे कैंडिडेट्स अपने कंसर्न सबमिट कर सकते हैं. 3 वीक्स टाइम दिया आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल टाइम. इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है और कमेटी अपना सारे कंसर्न को एग्जामिन करके रिकमेंडेशन देने का टाइम 4 मार्च दिया गया. तो कोशिश करेंगे उससे पहले अगर हो जाए 4 मार्च से भी पहले अगर हो जाए. डिपेंड करेगा कि कितने रिप्रेजेंटेशन आते हैं और मोटे मोटे मुद्दे तो अभी आ चुके हैं पब्लिक में सबके इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. दूसरी और ये कि जो आपके पैरामीटर था उस पर सब कुछ सही तरीके से लिया गया है उसी तरह से शॉर्टलिस्ट किया गया है. फिर इसमें प्रॉब्लम कहां फिर इसमें कमेटी आपको रिपोर्ट क्या करेगी और करेगी क्या इसका मतलब अगर चेंज करते हैं कुछ तो दूसरा एक बड़ा पक्ष और भी तो विरोध करेगा. हाँ ये इसीलिए तो मैं आपको देखो बताऊं ना एग्जैक्ट किसी भी लेवल पे नोटिस में जो लिखा था कि 20 गुना कैंडिडेट लेंगे. अगर आपके सामने टेबल रखा हुआ है 5,663 की जगह 1,13,000 यानी 20 गुना 4,940 के लेवल 3 में 98,833 20 गुना 161 के अगेंस्ट 3,223 20 गुना 17,393 347 347,676 20 गुना 7,124 वैकेंसीज के अगेंस्ट 1,42,413 20 गुना एग्जैक्ट 20 गुना है हर एक लेवल का. अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने एक से ज्यादा लेवल में क्वालिफाई कर दिया है राइट उसके कारण सपोज मान लीजिए लेवल 3 में जो लेवल 5 का कैंडिडेट है वो भी क्वालिफाई हो गया है जी. तो वो लेवल 3 में कोई एक कैंडिडेट को जो क्वालिफाई नहीं हुआ है उसे लगता है कि अगर उसको यूनिक के हिसाब से काउंट करते तो शायद उसको भी एक मौका मिल जाता मेन एग्जाम देने का. बराबर है ये मुद्दा ही है. अब जो नोटिस इनवाइटिंग एग्जाम है एग्जाम का जो नोटिफिकेशन होता है उसकी एक क्वांटिटी है वो कोर्ट का मैटर है वो लीगल मैटर हो जाता है. एग्जैक्टली उसके हिसाब से किया गया एग्जाम का एग्जाम को उसी हिसाब से कंडक्ट किया गया उसी हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग की गई. अब जब ये मुद्दा आया है तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा राइट. तो आपका जो प्रश्न है आपका प्रश्न वैलिड है कि क्यों है. आपके सामने डेटा सामने रखे हुए हैं डेटा आप सबके सामने है बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है कोई और ये डेटा हमने पहले दिन ही दे दिया था. जो टर्म कंडीशन ऑलरेडी जब पब्लिसाइज किया जाता है कोई पोस्ट होती है तो उसके टर्म कंडीशन ऑलरेडी पहले से घोषित होता है उसके आधार पर ही सब कुछ किया गया होगा. हाँ बिल्कुल. फिर ये कमेटी या आपको कुछ रास्ता अब नहीं दिख रहा है क्या ये जो कमेटी रिपोर्ट देगी क्या उसके अगेंस्ट देगी जो आपके टर्म कंडीशन पहले वाले थे. बात वही है ना कि आपकी बात फिर लोग कोर्ट जाएंगे. हाँ बात वही नहीं नहीं अपने को तरीका ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा कोई तो ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भी करियर अफेक्ट ना हो उनके प्रोस्पेक्ट भी कमजोर ना हो और जो लोगों की ग्रीवेंस है उस ग्रीवेंस को तो एड्रेस करना पड़ेगा ना. छात्रों का मुद्दा है और लोगों ने अगर ग्रीवेंस रेज किए तो हमारी ड्यूटी है कि उसको हमें एड्रेस तो करना पड़ेगा ना.